नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार रिक्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय काम्बोज और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास अभी अवेलेबल है इस टियागो ईवी का एक्सटी वेरिएंट। और यहाँ पे खास बात क्या है कि ये जो है ये एक मीडियम रेंज कार है, मीडियम रेंज के साथ जो आती है, क्योंकि यहाँ पे दो बैटरी पैक आपको मिलते हैं, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज। तो वेरियंट्स को जो है उन्हीं के हिसाब से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। अगर आप मीडियम रेंज लेते हैं तो वहाँ पर दो वेरियंट ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक्सई और एक्सटी। तो ये जो वेरियंट है ये एक्सटी है, और अगर आप लॉन्ग रेंज लेते हैं वहां पे आपको तीन वेरिएंट मिलेंगे, एक्सटी ये स्टार्टिंग हो जाएगा वहां पे, उसके बाद एक्सजेड प्लस और टॉप वेरिएंट आ जाएगा एक्सजेड प्लस टेक लग्जरी। तो ये आपको अलग अलग वेरिएंट्स यहां पे मिलेंगे। कलर ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो टोटल आपको पांच कलर ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग वेरिएंट है एक्सई वहां पे सिर्फ आपको ये व्हाइट कलर मिलेगा। लेकिन उसके अलावा जो वेरिएंट्स हैं वहां पे आपको चार कलर ऑप्शन और मिल जाएंगे, एक ग्रे मिलेगा, एक टील ब्लू, एक ट्रॉपिकल मिस्ट और एक मिडनाइट प्लम। तो ये कलर मिलेंगे और आपको ड्यूल टोन का ऑप्शन भी मिलता है जो सिर्फ टॉप वेरिएंट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाड़ी के फ्रंट से स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ ही दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अब हमारी वेबसाइट carquestindia.com भी लाइव है, तो वहाँ पर भी आप विजिट करके ऑटोमोबाइल्स के ब्लॉग्स को रीड आउट कर सकते हैं। सो सामने से जब आप गाड़ी को देखते हैं देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, जिस तरह की रेगुलर आईसी इंजन वाली टियागो आपको लगती है सेम उसी तरह के लुक्स आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पे ये जो ग्रिल है इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया गया है, क्योंकि ईवी है तो यहाँ पे एयर सर्कुलेशन के लिए ऐसा इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो ये कंप्लीट एक वाइड स्ट्रिप देखने को मिलेगी जो ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ है, और यहाँ पे टाटा मोटर्स का लोगो आपको दिखाई देगा। ईवी की बैजिंग इधर की तरफ है और ट्राई एरो का पैटर्न भी आपको मिलेगा। नीचे की तरफ ये ब्लू कलर की स्ट्रिप आपको दिखाई देगी जो रिप्रेजेंट करती है कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। हेडलैम्प यूनिट जब आप इसकी देखते हैं तो हेडलैम्प यूनिट का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, रेगुलर बल्ब्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम के लिए ये मिलेगा, और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ये इंडिकेटर्स, और ये सभी आपको हलोजन बल्ब्स यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे सिर्फ आपको हाउसिंग मिल जाएगी फॉग लैंप्स की। इस वेरिएंट के अंदर आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलते हैं, लेकिन आप लगवाना चाहें तो एज ए एसेसरीज आप यहाँ पे इसको लगवा पाएंगे। और ये जो लोअर ग्रिल है यहाँ पे भी ट्राई एरो पैटर्न का यूजेस आपको देखने को मिल जाएगा। इस गाड़ी की जो फ्रंट से जो विड्थ यहाँ पे रखी गई है 1677 mm इसकी विड्थ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इंजन हुड भी प्रॉपरली यहाँ पे कर्व आपको दी गई है जो इस हेडलाइट के साथ में मैच करती है। और जो टियागो एक हैचबैक सेगमेंट है तो उसी के अकॉर्डिंग इस कार की लेंथ में यहाँ पे रखी गई है 3769 mm। एक बार टायर साइज़ आप देख लीजिए, यहाँ पे टायर साइज जब आप देखते हैं तो 14 इंचेस के स्टील रिम आपको मिलेंगे फुल व्हील कवर के साथ। टायर प्रोफाइल 175/65 आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रंट फेंडर पे आपको यहाँ पे ईवी की बैजिंग भी दी गई है। ओवरवीएम्स जब आप देखते हैं तो आपको ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल यहाँ पे मिलने वाले हैं ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ, और यहाँ पे आपको ये ब्लिंकर्स ऑफर कर दिए गए हैं। हैंडल्स आपको ये बॉडी कलर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बी पिलर आपको यहाँ पे बॉडी कलर दिया गया है, आप इसको आफ्टर मार्केट ब्लैक आउट कराना, यहाँ पे ब्लैक फिल्म लगवाना चाहते हैं तो वो भी लगवा सकते हैं, जिसकी वजह साइड प्रोफाइल काफ़ी बेहतर देखने को लग जाएगी। सामने की तरफ आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे, और रियर जो ब्रेक्स हैं वो आपको ड्रम ब्रेक ऑफर किए गए हैं। अब एक बार मैं आपको गाड़ी का रियर प्रोफाइल भी दिखा देता हूँ। सो जो रियर से गाड़ी को आप देखते हैं, रियर लुक्स भी गाड़ी के काफ़ी अच्छे यहाँ पे लगते हैं। ऊपर की तरफ आपको ये मिल जाएगा यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप, और ये आपको स्पोर्टी स्पैड्स यहाँ पे दिए गए हैं जो इस ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ देखने को मिलते हैं। रियर शील्ड पे इस वेरिएंट के अंदर आपको वाइपर वॉशर डिफोगर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो टियागो ईवी की बैजिंग आपको यहाँ पे दी गई है, काफ़ी बड़े बड़े लेटर्स का यूजेस यहाँ पे किया गया है। टेल लाइट्स एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पे रेगुलर टेल लाइट्स आपको मिल जाएंगी, बल्ब्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है, इंडिकेटर, बैक लाइट, ब्रेक लाइट वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। और रियर बम्पर जब आप देखते हैं तो दो आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे जो रिवर्स पार्किंग में हेल्प करने वाले हैं। और इसका जो लोअर पार्ट है ये मैट ब्लैक फिनिश के साथ है, और यहाँ पे प्रॉपर आपको ये कर्व्स वगैरह दी गई है जिसकी वजह से लुक्स इसके काफ़ी अच्छे लगते हैं। बूट को आप सामने से भी ओपन कर सकते हैं, और की के साथ भी आप इसको यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। सो जब बूट ओपन करते हैं तो ओपनिंग भी ठीक है इसकी, आप देख सकते हैं ओपनिंग काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे मिलेगी। अंदर की तरफ जब स्पेस आप देखते हैं तो स्पेस भी आपको अच्छा मिलता है। नीचे की तरफ बेसिकली ये बैटरी पैक है, तो आपको इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे कोई भी स्पेयर व्हील ऑफर नहीं किया गया है। ये जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं ये बेसिकली एक वॉल बॉक्स है जिससे आप गाड़ी को चार्ज करेंगे, जो आपके घर पर लग जाएगा। ये रेगुलर चार्जर के लिए है, क्योंकि आपको साथ में जो चार्जर मिलता है ये 3.2 kW का ये आपको मिलता है, जिससे आप एक रेगुलर 15 ampere के प्लग के साथ आप गाड़ी को चार्ज कर पाएंगे। और चार्जिंग के लिए कितना टाइम लगता है वह भी हम आगे बात करेंगे जब आपको मैं इसके पावर फिगर्स की बात करेंगे और मोटर के बारे में मैं आपको बताऊंगा।
तो ये आपको साथ में मिलेगा। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन भी मिलता है जिसमें आपको फास्ट चार्जर आप ओपन कर सकते हैं। इधर की तरफ आपको टूल किट और दोनों तरफ आपको ये हुक्स दे दी गई हैं। सीट को फोल्ड करना चाहें तो आप इनको फोल्ड भी कर पाएंगे। अब चलते हैं इस गाड़ी की रियर सीट पे और चेक कर लेते हैं रियर सीटिंग कंफर्ट। सो जैसे ही रियर डोर आप ओपन करते हैं, जो डोर ट्रिम्स आपको इस ड्यूल टोन के साथ देखने को मिलेंगी, इस ब्लैक और इस लाइटर शेड का यूज़ किया गया है, और हर जगह प्लास्टिक मटीरियल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब एक बार अंदर की तरफ मैं आपको कम्फर्ट दिखा देता हूँ। जो सीटिंग वगैरह है वो बिल्कुल सेम है जैसे रेगुलर आईसी इंजन की आपको यहाँ पे मिलती है। फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अभी जैसे मैंने गाड़ी के अंदर एंटर किया तो काफ़ी अच्छी फ्रेगनेंस मुझे यहाँ पे आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने रखा हुआ है ये इन्वॉल्व का कार्बन ब्लैक फ्रेगनेंस। और ये जो परफ्यूम है ये एक जेल परफ्यूम है। इसके अलावा आपको यहाँ पे फाइबर परफ्यूम्स भी मिलते हैं और एयर फ्रेगनेंसेज भी मिलती हैं। टोटल आपको 75 प्लस फ्रेगनेंसेज यहाँ पे मिलती है। अगर आप भी अपनी कार के लिए एक प्रीमियम परफ्यूम परचेज करना चाह रहे हैं तो आप परचेज कर सकते हैं इन्वॉल्व परफ्यूम्स, और जो लिंक्स हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपको एक डिस्काउंट भी इस परफ्यूम पे मिले तो आप हमारा कोड यूज़ कर लीजिएगा कारक्वेस्ट, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी यहाँ पे मिल जाएगा। सो इसके कंफर्ट की बात कर लेते हैं। सेटिंग जो है वो प्रॉपर आपको मिलती है सेगमेंट के हिसाब से। अगर मैं बात करूँ लेगरूम, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आपको मिलता है। सामने वाली जो दोनों सीट्स है मेरे हिसाब से एडजस्ट है, उसके बाद आपको स्पेस अच्छा मिल रहा है, क्योंकि गाड़ी का जो व्हील बेस है 2400 mm यहाँ पे आपको व्हील बेस ऑफर किया गया है। दो बंदों के लिए सीट्स कंफर्टेबल है, तीन बंदे अगर बैठना चाहें तो थोड़ा अनकंफर्टेबल यहाँ पे हो सकता है। दो आपको हेडरेस्ट मिलेंगे, दोनों ही फिक्स यहाँ पे रखे गए हैं। एक सेंटर में यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा बोतल होल्डर, तो इसका यूज़ आप कर पाएंगे। सेंट्रल हम्प की हाइट भी यहाँ पे नॉर्मल रखी गई है, तो जो सेंट्रल पैसेंजर है उसके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा। इस वजह से दो बंदों के लिए सीट्स जो हैं वो कंफर्टेबल रहने वाली है। रियर सीट्स पे आपको कोई भी ऐसा चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब ड्राइवर सीट पे चलते हैं, उससे पहले मैं आपको की दिखा देता हूँ कि किस तरह की आपको मिलती है। सो एक तो आपको ये की मिलेगी, फ्लिप और फोल्ड की आपको यहाँ पे मिलेगी, टाटा का लोगो। इधर की तरफ लॉक अनलॉक और फॉलो मी लाइट्स, और दूसरी जो की है वो आपको इस तरह की नॉर्मल यहाँ पे ऑफर की गई है। अब एक बार ड्राइवर डोर भी चेक कर लेते हैं। सो जैसे ही ड्राइवर डोर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे भी आपको ये ड्यूल टोन के साथ मिलेगा, और ये आपको ऑल फोर पावर विंडोज़ के कंट्रोल यहाँ पे मिल जाएंगे। मिरर्स की एडजस्टमेंट के नोब आपको यहाँ पे मिलेगी, और यहाँ पे आपको हाफ लीटर का बोतल होल्डर दिया गया है। सीट से एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पे ब्लैक और इस ब्लू कलर का यूजेस किया गया है, और आपको ये ब्लू कलर के यहाँ पे ट्राई एरो पैटर्न देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे कम्फर्ट एक बार देख लेते हैं। सो जो ड्राइवर सीट इस वेरियंट के अंदर आपको फोर वे एडजस्टेबल है, मतलब हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। आप इसको सिर्फ स्लाइड और रिक्लाइन अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। स्टेयरिंग जब आप देखते हैं तो टिल्ट एडजस्टमेंट आपको मिलेगी, टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं मिलता है। इधर की तरफ आपको स्पेस दे दिया गया है, और अच्छा खासा ये स्पेस आपको मिलता है। मोबाइल या वॉलेट वगैरह रखना चाहें तो आराम से यहाँ पे आप रख पाएंगे। स्टेयरिंग जब देखते हैं तो डी कट स्टेयरिंग आपको मिलेगा, यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक फिनिश का यूजेस किया गया है। इधर की तरफ आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं। अब एक बार इसका क्लस्टर आप देख लीजिए। सो आपको डिजिटल क्लस्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ब्लू कलर का यूजेस यहाँ पे किया गया है। सामने की तरफ भी आपको यहाँ पे स्पीड और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गाड़ी से रिलेटेड शो करेगा जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। अभी बैटरी जैसे 55% है, तो रेंज आपको ये यहाँ पे दिखा रहा है, और ट्रिप नीचे की तरफ दिखा रहा है। इधर रीजनरेशन आपको शो करेगा, इधर बैटरी की कैपेसिटी आपको ये दिखाएगा, तो हर चीज़ ड्राइवर से रिलेटेड आपको यहाँ पे शो करने वाला है। अब मैं आपको इसका एक बार डैशबोर्ड दिखा देता हूँ कि इंटीरियर किस तरह के आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो जब इंटीरियर्स आप इस गाड़ी के देखते हैं तो ड्यूल टोन के साथ आपको इंटीरियर्स यहाँ पे मिलेंगे, ये ब्लैक और ये लाइटर शेड का, और हर जगह प्लास्टिक मटेरियल आपको ऑफर किया गया है। फिट एंड फिनिश भी आपको अच्छी ईवी के अंदर देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ग्लोबॉक्स जब चेक करते हैं तो ग्लोबॉक्स का स्पेस भी आपको अच्छा मिलता है। ये टायर इन्फ्लेटर किट अभी यहाँ पे रखी हुई है, तो स्पेस भी आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे ऑफर किया गया है। आप एक बार इसका सेंट्रल कंसोल यहाँ पे देख लीजिए, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 7 inches का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम बाय हारमन, जिसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो ये सब कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको ये रीजनरेशन के मोड्स दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको ये चार्जर अनलॉक के लिए बटन दे दिया गया है। नीचे की तरफ आपको ऑटोमेटिक एसी की यूनिट दे दी गई है। जो डिस्प्ले है वो सारा आपको ऊपर की तरफ इस म्यूजिक सिस्टम के अंदर ही दिखाई देगा, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। और नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो एक USB पोर्ट और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ स्पेस है, कुछ रखना चाहें तो आप रख पाएंगे, और यहाँ पे आपको ये नोब मिल जाती है।
रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव सेलेक्ट नोब आपको मिलेगी, ड्राइव और स्पोर्ट्स मोड भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। दो कप होल्डर्स आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं तो इनका भी आप यूज़ कर पाएंगे। मैनुअल हैंड ब्रेक आपको मिल जाएगी और जो अच्छी बात है इसकी टिप यहाँ पे इस क्रोम के साथ दी गई है। आप एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं तो को ड्राइवर साइड और ड्राइवर साइड कहीं भी आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। ड्राइवर साइड आपको एक टिकट होल्डर यहाँ पे दिया गया है और जो IRVM है ये मैनुअली डे नाइट आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। सो ये थे इस कार के इंटीरियर्स। अब बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में और इसके पावर ट्रेन और सबसे मेन प्राइस के बारे में। सो बात करें कार के सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो ये जो गाड़ी है सेम प्लेटफॉर्म पे डिज़ाइन है जिसपे IC इंजन टियागो आती है और उसको ग्लोबल NCAP के अंदर 4-स्टार रेटिंग मिली है। हालांकि इस टियागो EV का अलग से क्रैश टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन जैसे टिगोर को 4-स्टार मिले थे तो उम्मीद करते हैं कि इसको भी सेम रेटिंग मिलेगी जो इसकी IC इंजन को मिली है। अब उसके अलावा आपको 2 एयरबैग्स, ड्राइवर को ड्राइवर, ABS ब्रेक्स विद EBD आपको मिलता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और टॉप के अंदर आपको कैमरा भी मिल जाएगा। तो ये सारे सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। अब बात करते हैं पावर ट्रेन की, तो यहाँ पे आपको PMS मोटर मिलती है और जो मैंने आपको मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज बताया था तो वो बेसिकली एक डिफरेंशिएशन है कि आपको बैटरी पैक अलग अलग मिलते हैं। अगर मीडियम रेंज है, जैसे ये मीडियम रेंज है, तो इसका जो बैटरी पैक है 19.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है और लॉन्ग रेंज पे जब आप जाते हैं तो उसका जो है 24 किलोवाट का बैटरी पैक है। फीचर्स XT के अंदर बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। अगर आप मीडियम ले रहे हैं या लार्ज रेंज ले रहे हैं तो फीचर्स जो रहेंगे वो बिल्कुल सेम रहेंगे, सिर्फ बैटरी पैक का डिफरेंस आएगा और उसके साथ साथ पावर फिगर्स जो हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे जो मोटर यूज़ हो रखी है एक PMS मोटर यूज़ हो रखी है जो अलग अलग आउटपुट जनरेट करेगी बैटरी पैक के साथ में। अगर 19.2 किलोवाट वाली बैटरी आप ले रहे हैं, मतलब मीडियम रेंज ले रहे हैं, तो वहाँ पे जो आउटपुट रहेगी 61 PS की आउटपुट रहेगी और जो टॉर्क रहेगा 110 न्यूटन मीटर्स का आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग रेंज कंसीडर कर रहे हैं तो वहाँ पे जो आउटपुट रहेगी 75 PS की और 114 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको मिलेगा। तो जो टॉर्क है वो लगभग सेम है, 110 और 114 वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। यहाँ पे लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है जो गाड़ी की जो बैटरी पैक है उसको कूल रखने में यहाँ पे मदद करता है। चार्जिंग के अलग अलग ऑप्शन आपको मिलेंगे। 3.3 किलोवाट्स का चार्जर आपको मिलता है जो अभी मैंने आपको दिखाया, 15 वोट का जो एम्पियर प्लग आप यूज़ करके चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा एक 7.2 किलोवाट का आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलेगा और जो आपको DC चार्जर्स मिलते हैं अलग अलग लोकेशन पे उनसे भी आप चार्ज कर सकते हैं। तो चार्जिंग का जो टाइम यहाँ पे रहने वाला है, अगर आप रेगुलर 15 एम्पियर के प्लग से इसको चार्ज करते हैं तो इस जो मीडियम रेंज के साथ जो आती है उसका जो चार्जिंग टाइम रहेगा 6.9 आवर्स लगेंगे आपको लगभग 10 to 100 करने में, और अगर आप लॉन्ग रेंज को कर रहे हैं तो वहाँ पे 8.7 आवर्स आपको लगभग लगेंगे इसको चार्ज करने में। अगर आप AC फास्ट चार्जर से इसको चार्ज कर रहे हैं तो मीडियम रेंज के लिए 2.6 आवर्स लगेंगे और जो लॉन्ग रेंज है उसके लिए 3.6 आवर्स आपको लगेंगे। और जो आपका DC फास्ट चार्जर है वहाँ पे अलग अलग रहने वाला है, 1 to 1.5 घंटा वेरी करेगा आपकी किस कैपेसिटी वाले चार्जर से आप चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे 25 किलोवाट, 30 किलोवाट, 55 किलोवाट अलग अलग आपको वहाँ पे ऑफर किए गए हैं। वारंटी की अगर बात करें तो बैटरी और मोटर की जो वारंटी आपको यहाँ पे मिलती है 8 ईयर्स और 1,60,000 किलोमीटर्स की आपको वारंटी मिलती है, 8 साल 1,60,000 किलोमीटर। और अगर आप व्हीकल की बात करें तो यहाँ पे 3 ईयर्स और 1.25 लाख किलोमीटर्स की आपको वारंटी मिलती है। इस वारंटी को आप एक्सटेंड कराना चाहे तो आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे मेन कार के प्राइजेस की। सभी वेरिएंट्स के जो प्राइस है सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूं। अगर आप XT को कंसीडर करते हैं मीडियम रेंज के साथ तो उसका एक शोरूम प्राइस रहेगा 9,29,000 और अगर आप लॉन्ग रेंज कंसीडर करते हैं तो 10,19,000। और सामने जितने भी प्राइजेस आपको दिखाई दे रहे हैं सभी एक शोरूम प्राइजेस हैं, रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्टेट वाइज आपका रोड टैक्स और जो सब्सिडीज़ हैं गवर्नमेंट की वो वेरी करती हैं, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस टियागो EV XT वेरिएंट पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।